हेलो फ्रेंड्स, मैं पंक्ति आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो ये वीडियो उन प्रेग्नेंट लेडी के लिए है जो नहीं जानते कि उन्हें गर्भावस्था में कौन सी चीज़ या कौन सा भोजन खाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्वस्थ भोजन और स्वस्थ रही प्रेगनेंसी के लिए बेहद ज़रूरी है। गर्भवती महिला को अपने गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए। 9 महीने की गर्भावस्था बहुत सी महिलाओं के लिए आसान नहीं होती। इस दौरान शरीर तो कई बदलाव से गुजरती है, साथ ही साथ मन की स्थिति भी बदलती है। ऐसे में खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान आपका भोजन कुछ ऐसा होना चाहिए, विभिन्न तरह की सब्जी और फलों को बदल बदल कर अपने भोजन में सम्मिलित करें। रोज़ एक ही तरह के सब्जी और फलों को खाने से बचें। गर्भावस्था में तरोई, लौकी, पालक, पत्ता गोभी आदि सब्जियां खाएं। बैंगन, पपीता, सरसों, बाजरा, गुड़ आदि शरीर में ताप पैदा करता है, तो आप इन सभी चीज़ों को ना खाएं। अगर खाना है तो डॉक्टर से सही सलाह लेकर सही तरीके से खाएं और मैदे से बनी खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। इससे आपके शरीर में पानी की कमी और गैस को बढ़ाता है। ऐसे में ब्रेड, पिज्जा, बंद आदि खाने से बचें। स्प्राउट्स ज़्यादा से ज़्यादा बेहद अच्छा होता है, इसके लिए स्प्राउट्स भेल खाएं। केला, काले अंगूर, खजूर, एप्रिकोट आदि फल खाएं। वही काजू जैसे सूखे मेवे भी बेहद लाभकारी है। इस दौरान फ्रिज में रखे पदार्थ से दूर रहें। बासी खाना भी ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स, चिकन, मटन, सिगरेट, एल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला आदि का इस्तेमाल ना करें। चाय और काफ़ी सीमित मात्रा से लें। ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ ना खाएं जिससे एलर्जी होने की संभावना हो। तेज मसाले और तेली भोजन से भोजन को अवॉइड करें। धन्यवाद। तो आप सभी को हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा? अगर आप सभी को अच्छा लगा तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।